जी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है बिहार स्पेशल में बिहार में बौद्ध धर्म। एक नंबर शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था? ए 525 ईसा पूर्व, बी 526 ईसा पूर्व, सी 527 ईसा पूर्व या डी 528 ईसा पूर्व। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है डी 528 ईसा पूर्व। दूसरा नंबर, बुद्ध का तात्पर्य है अर्थात बुद्ध का तात्पर्य क्या है? ए प्रबुद्ध व्यक्ति, बी प्रसिद्ध व्यक्ति, सी विख्यात व्यक्ति या डी उपदेशक। तो इसका आंसर है प्रबुद्ध व्यक्ति ए। चलते हैं आगे देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, निर्माण का अर्थ है ए समाप्त होना या बुझ जाना, बी तृष्णाओं एवं लालसाओं से दूर रहना या सी चरम शांति या डी जीवन मरण का चक्र। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है ए समाप्त होना या बुझ जाना। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, चौथा नंबर देखते हैं, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? ए अहिंसा या बी प्रत्यय समुत्पाद और तीसरा है डी सी अपरिग्रह या डी ब्रह्मचर्य। यहाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी है प्रत्यय समुत्पाद। आगे चलते हैं, देखते हैं पांचवा नंबर देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है मतलब चरम लक्ष्य क्या है? ए निर्वाण प्राप्ति, बी जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना या सी मोक्ष प्राप्ति होना या डी उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? ए निर्वाण प्राप्ति होना, बी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना या सी मोक्ष प्राप्त करना या डी उपयुक्त सभी, यानी ये सभी हैं। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर सभी उपयुक्त सभी। आगे छठा नंबर, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गावणी प्रतिपाद है? ए अष्टांगिक मार्ग, बी सम्यक दृष्टि या सी सम्यक स्मृति या डी सम्यक समाधि। यह बताइए। इसका आंसर ए है अष्टांगिक मार्ग। आगे सातवां नंबर, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष के आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने थे? जी हाँ, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था बचपन का नाम, इसीलिए ऐसा दिया हुआ है। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने थे? ए 33 वर्ष की आयु में, बी 34 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 36 वर्ष की आयु में। यहाँ बताइए। तो ये 34 वर्ष की आयु में बने थे। आगे, गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? जी हाँ, इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? ए 561 ईसा पूर्व, बी 562 ईसा पूर्व या सी 563 ईसा पूर्व या डी 564 ईसा पूर्व। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है 563 ईसा पूर्व हुआ था, ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नौवां नंबर, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? जी हाँ, ए महामाया, बी रूपनंदा, सी प्रजापति गौतमी या डी यशोधरा। जी बताइए। तो इसका आंसर सी है प्रजापति गौतमी। आगे चलते हैं, दसवां नंबर देखते हैं, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है? जब ये गृह त्याग थे उनको क्या कहता है, कहा जाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी प्रतीय समुत्पाद या सी उपादान या डी पंच स्कंद। जी बताइए। दस का आंसर क्या होगा? दस का आंसर ए है महाभिनिष्क्रमण। आगे 11 नंबर, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था, इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? ए पंच अंशकंद, बी धर्मचक्र परिवर्तन
या डी प्रत्यय समुपाद या डी उच्छेदवाद। जी बताइए। तो इसका आंसर धर्मचक्र परिवर्तन है यानी बी है, जहां गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और ज्ञान प्राप्ति को धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। आगे 12 नंबर, बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? एक बार फिर सुन लें, बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? ए अंगुत्तर निकाय, बी विनय पिटक, या सी सुतनी पाद के अठ कथा में, या डी दीर्घ निकाय में। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है अंगुत्तर निकाय में। चलते तीसरा है 13 नंबर, बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्त प्रजाजनों के साथ राजगृह के लठिवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे, इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? यहां बताइए किस बौद्ध ग्रंथ में है। 13 नंबर देखते जाइए, ए विनय पिटक, या बी विमान वयुत, या अठकथा, या सी अभिधर्म पिटक, या डी संयुक्त निकाय। यहाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर। 13 के ए है विनय पिटक। 14 नंबर, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? यहाँ बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? ए 60,000, बी 70,000, सी 75,000, या डी 80,000। जी हाँ बताइए। तो 80,000 के थे, तो 80,000 का डी आंसर हुआ। आगे 15 नंबर, बौद्धकालीन मगध की चर्चा है मतलब किस में है? अथर्वेद में है, पुराण में है, बौद्ध ग्रंथ में है, या उपयुक्त सभी में है? ये बताइए। तो इसका आंसर सभी है, उपयुक्त सभी अर्थात डी। चलते हैं आगे देखते हैं 16 नंबर से देखते हैं, राजगृह नगर पांडो गिज्झकूट व्यवहार इसी गीली और वेपुल आदि पंच पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गृहवर्ज कहलाता था, इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? ए सुतनी पाद के अठकथा के अठकथा में, या अंगुत्तर निकाय में, या सी ललित विस्तार में, या डी मझी झम निकाय में। बताइए 16 का क्या आंसर होगा। 16 का ए है सुतनी पाद के अठकथा में। आगे, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, ए संघ की स्थापना, बी अहिंसा पर बल, सी लोक भाषा का प्रयोग, या डी अष्टांगिक मार्ग। जी हाँ 17 के सी है लोक भाषा का प्रयोग। आगे, गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? ए अम्बल टिक्का में, या बी कोटिग्राम में, या सी लू ग्राम में, या डी गिज्झकूट में। बताइए 18 के सी है लू ग्राम में। 19 नंबर, बौद्ध भिक्षुणी अम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सतवचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी, यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? एक बार फिर सुन लें, बौद्ध भिक्षुणी अम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सतवचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी, यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? ए थेरी गाथा, बी सुरुचि जातक, या सी महावस्तु, या डी कथा सरित सागर। ये बताइए। इसका आंसर ए है थेरी गाथा में। आगे चलते हैं 21 नंबर देखते हैं, बुद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? ए सारनाथ में, बी बिहार में, सी कलिंग में, या डी उज्जैन में। जी हाँ बताइए। इसका आंसर बी है बिहार में हुआ था। आगे, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? ए सतपथ ब्राह्मण में, बी पंचविश ब्राह्मण में,
यासी विनय पिटक में या डी लिच्छवी सूत्र। जी बताइए 21 का आंसर ए है शतपथ ब्राह्मण में। चलते हैं आगे 22 नंबर, बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे, ए महाविहार, बी विश्वविद्यालय, या सी संघाराम, या डी उपयुक्त सभी। जी हाँ बताइए, तो 22 का डी आंसर है उपयुक्त सभी। चलते हैं आगे देखते हैं 23 नंबर, वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे, ए 7705, बी 7706, या सी 7707, या डी 7708। जी हाँ बताइए, इसका आंसर सी है 7707, यानी 777। जी इसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर, रुमीन देही किस घटना से संबंधित है, ए बुद्ध का जन्म से, बुद्ध का निर्माण से, या सी गृह त्याग से, या पहला प्रवचन से। जी हाँ बताइए, तो इसका है ए बुद्ध के जन्म से। आगे बुद्ध का जन्म से, शुद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित है, ए जैन से, बी बौद्ध से, सी वैष्णव से, या डी शैव से। जी हाँ बताइए, इसका आंसर बी है बौद्ध से। आगे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ए वल्भी में, बी कश्मीर में, सी राजगिरी में, या डी तक्षशिला में। जी हाँ बताइए, तो इसका हुआ था राजगिरी में। आगे द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, 27 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी उज्जैन में, डी कश्मीर में। जी हाँ बताइए, तो इसका आंसर बी है वैशाली में। चलते हैं 28 नंबर देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ए वैशाली, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, या डी वल्लभी। जी हाँ बताइए, तो 28 का सी है पाटलिपुत्र। याद करने का तरीका है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और रावे पाकू, यानी रा से राजगिरी, वैश वैशाली, पाटली प से पाटलिपुत्र, और क से कश्मीर, कुंडलग्राम, कश्मीर है, कुंडलग्राम कश्मीर। ठीक है आगे चलते हैं 29 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति 29 नंबर देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के समकालीन, 29 नंबर फिर से देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी, ए सूत और विनय पिटक, बी अभिधम्म पिटक और महालिसूत, या सी महापरिनिर्वाण सूत और लिच्छवी सूत, या डी शतपथ ब्राह्मण और सूत पिटक। जी बताइए 29 का क्या होगा, 29 का ए है सूत पिटक। 30 नंबर देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी, इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था, ए सुगुकाभि, बी महाकश्यप, या सी तिष्य, या डी वसुमित्र। जी हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी है तिष्य ने। 31 नंबर, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी, यहाँ पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी, ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सूत पिटक, या डी तृतीयवत सूत। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा, 31 का ए आंसर है अभिधम्म पिटक। चलते हैं आगे देखते हैं 32 नंबर देखते हैं, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी, ए राजगृह में दी गई थी, या पाटलिपुत्र में दी गई थी, या श्री सारनाथ में, या डी वैशाली में। जी हाँ बताइए,
इसका आंसर डी है वैशाली। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित हुई थी, ए त्रिपिटक में, बी नीरयावली सूत्र में, या सी दीघ निकाय में, या डी महापरिनिर्वाण सूत्र में। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए है त्रिपिटक में। चलते हैं 34 नंबर। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, ए अष्टांग, बी निर्माण, सी प्रतीत्य समुत्पाद, या डी अविद्या। जी बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर सी है प्रति समुत्पाद। आगे चलते हैं 35वां नंबर। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, यानी किसमें विश्वास करता है, ए गौतम बुद्ध एक महामानव हैं, अवतार नहीं, बी गौतम बुद्ध भगवान के अवतार हैं, सी गौतम बुद्ध एक साधारण मानव हैं, डी गौतम बुद्ध एक अवतारी पुरुष हैं। जी बताइए इसका आंसर ए है गौतम बुद्ध एक महामानव हैं, अवतार नहीं। आगे 36 नंबर देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ए दीघ निकाय, बी विभाषा शास्त्र, सी विनय पिटक, डी अभिधम पिटक। जी बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर सी है विनय पिटक। 37 नंबर। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, ए प्राकृत भाषा, बी पाली भाषा, सी संस्कृत भाषा, या डी अर्धमघी भाषा। यह बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर बी है पाली भाषा में इन्होंने लिखा था। आगे वैशाली में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था, ए अस्थवीरवादियों में, बी महासांघिक में, या सी वज्रयान में, या डी हीनयान में। जी हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी है महासांघिक में। आगे 39 नंबर। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, ए सार्वस्तिक, बी सैद्धांतिक, सी वैभाषिक, या डी शून्यवादी। जी हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए है सार्वस्तिक में। आगे 40 नंबर। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्माण की प्राप्ति होती है, ए निरंतर स्थित प्रज्ञ अथवा अवस्था में रहना, एक बार फिर सुन लीजिए, निरंतर स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना, बी अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करना, या सी संन्यास का पालन करना, या डी अस्तूप की पूजा करना। ये बताइए 40 का आंसर क्या होगा। 40 का आंसर है अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करना, अर्थात बी। चलते हैं आगे देखते हैं 41 नंबर। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, दीपवंश के विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, या सी महापरिनिर्माण के विषय वस्तु का, या डी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। यह बताइए क्या इसका आंसर है। इसका आंसर डी है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आगे चलते हैं देखते हैं 42 नंबर। न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी, ए तक्षशिला में, बी गंधार में, सी बिहार में, या डी कौशल में। यह बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी है बिहार में, सी है बिहार में। आगे चलते हैं 43 नंबर। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था, आपन, निकाय, टोला, या अंगुत। जी बताइए, ए आपन, बी निकाय, सी टोला, या डी अंगुत। जी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए है आपन कहा जाता था। 44 नंबर। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे, ए 22 प्रकार के, बी 23, सी 24, डी 25। जी बताइए
तो इसका आंसर होगा डी 25 प्रकार के थे। आगे, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? ए शिल्पी बनने का, बी भिक्षुणी बनने का, या सी ज्ञानी बनने का, या डी कवित्री बनने का? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर 45 का ए है, शिल्पी बनने का। चलते हैं आगे 46 नंबर देखते हैं। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन में प्रचलित था? ए 21 कहापन में, बी 22 कहापन में, सी 23 महापन में, या डी 24 महापन में? जी हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 46 का डी है, 24 महापन में। 47 नंबर, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? 43वां था, बी 44वां था, सी 45वां, या डी 46वां? जी हाँ बताइए इसका आंसर सी है, 45वां था। आगे, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था? ए 481 ईसा पूर्व में, बी 482 ईसा पूर्व में, सी 483 ईसा पूर्व में, या डी 484 ईसा पूर्व में? जी बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी है, 483 ईसा पूर्व में। आगे 49वां नंबर, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बुद्ध संघ का प्रधान बना? ए महाकश्यप, बी 30, या सी अजाशत्रु, या डी सुपवासा? जी हाँ बताइए 49 का ए महाकश्यप। और आखिरी और अंतिम है, और यहाँ तक बने हैं मित्रों तो एक लाइक जरूर बनता है। बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? ए अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, बी प्रतीत्य समुत्पाद का, या सी आर्य सिद्धांत का, या डी निर्वाण सिद्धांत का? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर बी है, प्रतीत समुत्पाद का। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।